हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पार्ट टू के लिए ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी गई है। यहाँ पर आपको जो पार्ट टू में 100 क्वेश्चन और यहाँ पर जो है ऐड कर दिए गए हैं, जो भी मित्र प्रिय एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप जो फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा। और उससे पहले हमने सिलेबस भी यहाँ पर जो है आपको दिखा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पार्ट टू बिना देर किए हुए। तो आप एक जरूर चीज कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 4 पार्ट आएंगे 100 100 क्वेश्चंस के, तो आपको यहाँ सारे अवेलेबल करा दूंगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ पर जाने वाला नहीं है। तो आप आराम से इसको पढ़ के, आराम से देख के और जो है याद कर सकते हैं। इसमें एक एक ऑप्शन का जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्तनी की जांच करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, यहाँ पर F7 का उपयोग किया जाता है। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी DOCX का जो है अर्थ क्या है? तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड, यानी कि जो एक्स लगा है उसे आप याद कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट एक्सटेंड हो रहा है। एक्सटेंड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का विस्तार हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज का विस्तार क्या है? यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, .doc। इसका जो है अल्फाबेट पूछा जाता है कि किसी फाइल के लास्ट में जो है .doc लगा हुआ होता है, तो वो डॉक्यूमेंट फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है, यानी कि वर्ड फाइल होती है। एमएस वर्ड में रूलर हमें क्या मदद करता है? तो एमएस वर्ड में रूलर हमें इन सभी चीजों के लिए, टैब सेट करने के लिए, ऊपर नीचे सभी जगह जो है काम आता है। ऑप्शन डी, यहाँ पर लैंडस्केप है। ऑप्शन डी, पेज ओरिएंटेशन, यानी कि जो लैंडस्केप पेज है जो आपके मॉनिटर का जो एक तरीके से एक से बाएं हाथ से दाएं हाथ के बीच में जो ये स्क्रीन साइज है उसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड। और पोर्ट्रेट होता है सिर से और पैर की तरफ, पोर्ट्रेट मोड होता है। अगर आपसे पूछे तो गटर की स्थिति निम्न स्थितियों में सेट की जा सकती है, तो ऑप्शन बी लेफ्ट एंड टॉप, बाएं और ऊपर। F12 दबाने से निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी कि किसी फाइल को आप सेव करने के लिए यहाँ पर जो है डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं F12 दबा के सीधा सा। कौन सी कुंजी से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा? ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल के साथ में F12 को दबाने से यहाँ पर जो है डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। एमएस वर्ड में ऑल कैप सुविधा का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए, इट चेंजेस ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर, यानी कि जो है एमएस वर्ड में ऑल कैप्स दबाते ही जितने भी वहां पर आपने वर्ड लिखे होंगे वो सारे कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए कौन सी फाइल जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, winword.exe। यहाँ पर कौन सा मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी, सेंटर। सेंटर है वो मार्जिन का प्रकार नहीं है, बाकी शीर्ष बाएं दाएं सब ये मार्जिन के प्रकार है। कंट्रोल प्लस जे का उपयोग क्या होगा? ऑप्शन सी, अलाइन जस्टिफाई, संरेखण जस्टिफाई, यानी कि किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का उपयोग होता है। कहीं केंद्र को संरेखित करने के लिए हम किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस ई को, पाठ को इटैलिक बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस आई को, आई आई से इटैलिक होता है, तो आप सीधा सीधा समझ जाइए यहाँ पर कंट्रोल प्लस आई। पाठ को रेखांकित करने के लिए हम किस, ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस यू, यू फोर होता है अंडरलाइन, यू फोर होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन यू से समझ जाएंगे। टेक्स्ट और इमेज को कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। टेक्स्ट और इमेज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी होता है। टेक्स्ट और इमेज को कट करने के लिए ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स का मतलब कैंची बनी हुई है, तो आप सीधा सीधा इसको याद कर सकते हैं। कॉपी किए गए टेक्स्ट को इमेज को पेस्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से आप यहाँ पर जो है पेस्ट कर सकते हैं। किए गए कार्य को अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, यानी कि सी सी ऑप्शन आएगा, कंट्रोल प्लस जेड। अंडू किए गए कार्य को, अंडू का मतलब होता है किसी कार्य को हमने कर दिया उसको वापस बैक लाने के लिए। जैसे हमने किसी रिज्यूम बना रहे, किसी का नाम डिलीट कर दिया, तो उसको वापस नाम बिना लिखे नाम वापस लाने कंट्रोल प्लस जेड जैसे प्रेस करेंगे तो वो नाम वापस आ जाएगा जैसा पहले था। तो अंडू के कार्य को रीडू करने के लिए ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस वाई। अगर मान लो हमने लिख दिया और वो गलत लिख दिया, तो उसको हम जो है वापस ब्लैंक करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई दबा देंगे, तो वहां पर वो जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग। ऑप्शन सी, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस बी का पी फॉर प्रिंट। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, फ्रंट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस डी जो दबाते हैं उसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। एमएस वर्ड एक टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए, पेंसिल का आकार होता है, पेंसिल। एमएस वर्ड में एक टेबल बनाते समय पेंसिल का आकार होता है माउस पॉइंटर का। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग नहीं है, ऑप्शन बी, ये फॉल्स, झूठी बात है। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है, तो
तो ये यहाँ पर खोज के द्वारा क्या खोजा जा सकता है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव सिंबल कैरेक्टर फॉर्मेट सभी खोजे जा सकते हैं। तो किस पृष्ठ पर हेडर या फुटर लेख डिफॉल्ट रूप में मुद्रित होता है? ऑप्शन डी एवरी पेज, एवरी पेज यहाँ पर प्रत्येक पृष्ठ पर जो है हेडर और फुटर जो है डिफॉल्ट रूप में मुद्रित होता है। और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा टूल बार फॉन्ट्स और उनके आकार बदलने की अनुमति देता है? ऑप्शन बी देता है फॉर्मेटिंग, यानी प्रारूपण, उस चीज का फॉर्मेट कैसे तैयार करना है उसकी अनुमति जो फॉर्मेटिंग ये देता है। कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कैसे करते हैं? कॉलम की चौड़ाई जो कोई भी कॉलम उसकी चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए हमें डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम, स्तंभ के दाएं तो डबल क्लिक करना पड़ेगा राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम, बॉर्डर कॉलम के राइट बॉर्डर पर जो है डबल क्लिक करना पड़ेगा। एमएस वर्ड दस्तावेज में कम से कम पंक्ति और स्तंभों की संख्या है। ऑप्शन ए एक और एक, एक और एक। वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? ऑप्शन ए 45। ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पर आप जो है इसको ध्यान रखना, वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम 45 कॉलम डाले जा सकते हैं, ये प्रश्न आता है बार बार। प्रारूपण टूल बार पर सबसे छोटा और बड़ा सबसे बड़ा उपलब्ध फॉन्ट क्या है? ऑप्शन सी स्मॉलेस्ट 8 एंड लार्जेस्ट 72। इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो है क्वेश्चंस दोनों प्रारूप में याद करने हैं आपको, इंग्लिश में भी हिंदी में। कई बार हिंदी समझ नहीं आती, बहुत शुद्ध हिंदी है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश का सहायता ले सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, गटर मार्जिन का प्रकार क्या है? ऑप्शन डी यानी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन जो पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जोड़ता है जब मुद्रण होता है। और यहाँ पर उसके बाद में है मैक्रो क्या है? ऑप्शन डी बीबीए का उपयोग करके दोहराव कार्य को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में बनाए गए छोटे कार्यक्रम जो होते हैं वो वीबीए के थ्रू आते हैं। एमएस वर्ड का एक स्क्रीन एलिमेंट जो आमतौर पर शीर्षक बार के नीचे स्थित होता है वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है। ऑप्शन ए मेन्यू बार, मेन्यू बार आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन बहुत काम की है। सामान्य टेम्पलेट पर आधारित नया वर्ड दस्तावेज का डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? ऑप्शन सी 12 PT, 12 PT। प्रारूप चित्रकार उपकरण में पाया जा सकता है। ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टूल बार, किसी कुंजी को हमें अब फटाफट हम ले लेते हैं, आप आराम से स्पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हैं किस कुंजी को हम एक पृष्ठ की शुरुआत में स्थानांतरित कर सकते हैं। ऑप्शन डी होम की को, एक दस्तावेज सेव करते समय सेव में क्या अंतर सेव एज और है? तो ऑप्शन डी बोथ एंड बोथ बी एंड सी। तो निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन ए सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट रूपरेखा उत्तरी उत्कीर्ण के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी फॉन्ट इफेक्ट्स कॉलम और पंक्तियों का चौराहे को एक कहा जाता है। ऑप्शन सी टेबल ओ सॉरी सेल, ऑप्शन सी को सेल कॉलम और पंक्तियों के चौराहे को ऑप्शन सी सेल कहते हैं। सेल की एक श्रेणी के लिए संदर्भ जो सी सेल C1 में शुरू होता है और कॉलम H और नीचे पंक्ति 10 तक जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है C1H10, ये आप लिख के रख लेना, नोटबुक ले लेना, उसमें फटाफट आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन के आंसर को सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा कौन श्रेणी लिखा आंसर लिखा, ऑप्शन मत लिखना सीधा आंसर लिखना। आप अगले कॉलम में जंप कर सकते हैं ऑप्शन सी के द्वारा बोथ ऑफ अब ऊपर के दोनों ए बी करके, हम पंक्ति और स्तंभ के संयोजन के लिए क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सेल, एक स्प्रेडशीट है रोज एंड कॉलम, ऑप्शन सी रोज एंड कॉलम, कॉलम ए और बी के बीच 3 कॉलम सम्मिलित करने के लिए, ऑप्शन सी सेलेक्ट बी चुने बी, डेटा तालिका बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी टेबल का, ऑप्शन बी टेबल का। निम्न में से कौन से एक्सेल में विभाजित प्रतीक है? ऑप्शन ए ये जो है आपका ट्राइंगल, ये इसको बोलते हैं स्लैश बार, स्लैश बार। एक्सेल में सेल में मौजूदा तिथि दर्ज कराने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस, ये वाली की है आप ये ध्यान रखिए, आप सीधा चयनित सेल को संपादित करने के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन डी F2, चयनित कॉलम को हटाने के लिए शॉर्टकट। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस। एक्सेल में कुछ कक्षों को जोड़ने के बाद जब आप कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं तब क्या होता है? ऑप्शन डी चयनित कोशिका को काटने के लिए, एक्स का मतलब कैंची की तरह काम आता है, तो काटने के लिए कहीं भी आए तो उसको यही मतलब होगा, इसका नाम बॉक्स में दिखाई देता है। ऑप्शन ए फॉर्मूला बार के बाएं तरफ निम्न में से कौन सा एक्सेल में मान्य जूम प्रतिशत नहीं है? ऑप्शन डी 500। आप सामग्री को फिट करने के लिए कॉलम चौड़ाई कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शन बी डबल कॉलम शीर्षक के दाईं ओर सीमा पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आसान से देख सकते हो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। एक एक्सेल शीट में सक्रिय सेल में संकेत दिया गया। ऑप्शन बी एक डार्क व्हाइट बॉर्डर
अब एक्सेल टिप्पणी कैसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए, सेल पर माउस पॉइंटर की स्थिति। निम्न में से कौन सा सूत्र सभी सभी में शुरू होगा। ऑप्शन डी, यहाँ जो बराबर का है, इक्वल का साइन है वो। निम्न में से कौन सी एक्सेल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट। चाइनीज सेल से एक चैट चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किन कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, F11। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए, .xls। ये जो स्मॉल में आएंगे सारे, ये ध्यान रखना, यहाँ पर स्प्रेडशीट बनाई गई है। ऑप्शन सी, MS Excel। MS Excel के द्वारा एक फॉर्मूला में एक से अधिक फॉर्मूला को कैसे उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के थ्रू। ऑप्शन ए, आप एक कॉलम कैसे हटाते हैं। ऑप्शन डी, जिस सिस्टम शीर्ष को आप हटाना चाहते हो उसे क्लिक और शॉर्टकट मेन्यू से हटाएं या चुने हटाएं चुने। जब किसी सेल में लिखा लेबल बहुत लंबा तो आप आमतौर पर ऑप्शन बी का जो चूज करते हैं, इंक्रीज कॉलम विड्थ को बढ़ाते हैं। आप एक संपूर्ण स्तंभ का चयन कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन बी के द्वारा कॉलम शीर्षक पत्र पर क्लिक करके। वर्तमान परिस्थिति में कौन सा शॉर्टकट कुंजी एक नई स्लाइड सम्मिलित करता है। ऑप्शन बी, Ctrl+M। पावर पॉइंट प्रस्तुति फाइल के का विस्तार क्या है। ऑप्शन डी, .ppt। पावर पॉइंट स्लाइड शो का विस्तार क्या है। ऑप्शन बी, .pps। है ना, किसी पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन डी, यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव। स्लाइड शो को देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, F5। मौजूदा प्रस्तुति को खोलने के लिए प्रेस करें। ऑप्शन बी, Ctrl+A। वर्तनी की जांच करने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं। और F7। वर्तनी संवाद बॉक्स डैश मेन्यू से वर्तनी को चुनकर सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, टूल्स, विचर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि तक पहुंचने के लिए किस मेन्यू को चुनना है। ऑप्शन ए, इंसर्ट। एक स्लाइड में हाइपरलिंक सबमिट करने के लिए क्या कदम है। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों जो है ये ऑप्शंस। यदि आप पहली और दूसरी स्लाइड का चयन करें और फिर टूल बार पर नई स्लाइड बटन पर क्लिक करें तो क्या होगा। ऑप्शन बी, प्रस्तुति में तीसरी स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड डाली गई है, तो नई स्लाइड जो है वहां पर जो एड हो जाएगी। एक स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन सी, सम्मिलित करें, मेन्यू से डुप्लीकेट स्लाइड का चयन करें। पावर पॉइंट स्लाइड हो सकते हैं। ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबो, तीनों में से कोई सा भी, इनमें से कोई सी पावर पॉइंट दृश्य में से एक नहीं है। ऑप्शन डी, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू हम एक स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन बी, प्रेस एस्केप। एस्केप प्रेस करके सीधा रोक सकते हैं। आप एक बार में अपनी सभी स्लाइड्स कैसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए, थ्रू साइड सॉर्टर व्यू। तो कौन सा पावर पॉइंट स्लाइड संक्रमण जोड़ने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। ऑप्शन बी, साइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो स्लाइड शॉर्टर को किस मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन डी, व्यू के साथ में। यहाँ पर व्हाट इज द टर्म यूज्ड, आप अपने स्लाइड के चारों ओर माउस का इस्तेमाल करते हैं, बाय माउस कुंजी को दबाते हैं और पकड़ते हैं, तो शब्द क्या है। ऑप्शन सी, ड्रैगिंग बोलते हैं इसको, जो फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियां शामिल होती है जिन्हें प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कहा जाता है। ऑप्शन सी, टेम्पलेट कहा जाता है। मैं पूर्व प्रारूपी शैली बनाने का चुनाव कैसे करूं। ऑप्शन बी, स्लाइड लेआउट के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है। ऑप्शन डी, 400% तक हम जूम कर सकते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग करते हुए हम प्रस्तुति में चार्ट कैसे डाल सकते हैं। ऑप्शन बी, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद चार्ट। इस तरीके से प्रेस करेंगे उसके बाद आप अपने पावर पॉइंट एप्लीकेशन को शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन बी, शुरू करने जा रहे हैं, रन प्रकार पावर पॉइंट और एंटर दबाएं सीधा सीधा सा। उसके बाद में यहाँ पर किसी विशेष विषय के बारे में कच्चे तथ्य जो आ और आंकड़े हैं। ऑप्शन सी, डेटा बाइनरी संख्या प्रणाली के होते हैं। ऑप्शन ए, 0 एंड 1। वन के केवल BPS का पूरा रूप है। ऑप्शन बी, बिट्स पर साउंड। मैंने पहले ही बोला था आपको जो है फुल फॉर्म के लिए अलग से एक पन्ना तैयार कर लेना है, उसमें सिर्फ फुल फॉर्म लिखनी है आपको। बहुत सी फुल फॉर्म आती है, पहले भी पार्ट फर्स्ट में भी बहुत सी आई है और सेकंड में भी आपको बहुत सी मिलेंगी और थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो उसका अलग से आप जो है यहाँ पर फॉर्मेट बना लेना। BMP का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन बी, बिट मैप। बिट मैप 1 बाइट के होते हैं, 1 बाइट के। ऑप्शन सी, 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के। एक घर कंप्यूटर का वर्ड लेंथ है। ऑप्शन बी, 8 बिट्स। एक निबल कितने बिट के बराबर होती है। ऑप्शन ए, 4 बिट के बराबर। 1 बाइट कितने बिट के बराबर होती है। ऑप्शन बी, 8 बिट्स के बराबर। कंप्यूटर की भाषा में 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन सी, 1024 बाइट होते हैं और 10 लाख बाइट्स की सूचना है। ऑप्शन ए, 1 MB 10 लाख बाइट्स की सूचना है। ऑप्शन ए, 1 MB। तो यहाँ पर जो है ये खत्म होता है पार्ट सेकंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आगे नए से नए बंदे के पास में और ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास में ये जो वीडियो है पहुंच सके। धन्यवाद।